हाय दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल टेक्निकल प्रो और मैं बात कर रहा हूँ जयंत। तो फ्रेंड, आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है बहुत ही एक छोटा सा वीडियो, पर बहुत ही काम की वीडियो है। तो आप साइट कैसे ब्लॉक करोगे, तो आज मैं साइट ब्लॉक करने की, साइट कैसे ब्लॉक होता है और कैसे ब्लॉक कराया जाता है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आपके पास तो फायरवॉल नहीं है, आपका एक छोटा साइबर कैफ है जिसमें 10-12 कंप्यूटर है, आप चाह रहे हो उसके अंदर फेसबुक ना चले या कोई जॉब की पोर्टल ना ओपन हो, तो आप कैसे करोगे विदाउट फायरवॉल। तो फ्रेंड, आज उसी वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे बिना फायरवॉल इंस्टॉल से भी आपको साइट ब्लॉक हो सकता है। यूजिंग क्रोम यूज करो या फायरफॉक्स यूज करो, और आपकी मर्जी है। तो फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं कैसे साइट ब्लॉक होता है, आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रोम में जाना है। क्रोम में जाके आपको कुछ नहीं करना है, क्रोम में जाके बस आपको क्या करना है, इसमें अंदर लिखना है गूगल क्रोम एक्सटेंशन, साइट ब्लॉक क्रोम एक्सटेंशन। देखिए मैंने टाइप किया तो यहाँ पर दिखा रहा है ब्लॉक साइट, तो हमें ब्लॉक साइट में, ब्लॉक साइट के अंदर जाना है और जाके इसको कुछ नहीं करना है, बस ब्लॉक साइट वेबसाइट, ब्लॉक वेबसाइट फ्रॉम क्रोम, अगर उसके अंदर जाके फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। मैं पहले से ऐड करके रखा हूँ, फिर भी मैं आपको इसको रिमूव करके फिर आपको ऐड करके दिखाऊंगा। तो मैंने रिमूव कर दिया, अब मैं दोबारा इसको डाउनलोड करूँगा, तो आप देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पर ऐड क्रोम करना है, ब्लॉक साइट वेबसाइट ब्लॉकर फॉर क्रोम, ये सब क्रोम में ही होगा, दूसरा किसी में नहीं होगा। दूसरा किसी में करना होगा तो अलग तरह के, वो भी मैं वीडियो आप बना के आपको दिखाऊंगा। तो इसके अंदर ही एग्री करना है, बस एग्री जैसे ही हो जाएगा, आप देखिए आपको दिखा रहा है यहाँ पर इंटर द वेब एड्रेस एंड आपको इसमें एग्जाम्पल भी दे रहा है www.facebook.com। तो आपको फेसबुक ऑफ करना है या यूट्यूब ऑफ करना है या ट्विटर ऑफ करना है, तो अब इसके अंदर आप जाके आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं रैंडम बॉक्स ओपन कर लिया, अब इसके अंदर मैं एक वेबसाइट लिखूंगा, टाइप करूंगा और फिर इसके अंदर जाके पेस्ट करूंगा। तो इसमें https.com देना पड़ेगा / फिर facebook.com, मैंने भी facebook.com ही लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में बहुत आसान हो जाए। तो आपको www.facebook.com लिखना है और लिख के इसके अंदर डालना है। तो देखिए मैंने डाल दिया, अब इसके अंदर मैं पेस्ट करूँगा। देखिए पेस्ट कर दिया और ये जो ग्रीन बटन दिख रहा है इसमें क्लिक करना है। अब हो गए फेसबुक, अब मैं आपको दिखाता हूँ फेसबुक ब्लॉक हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं एक टैब ओपन करता हूँ करके आपको दिखा दे रहा हूँ। अब मैं फेसबुक को शॉर्ट फॉर्म में एफ बी बोलते हैं, फिर मैं एफ बी सर्च करूँगा। देखिए फेसबुक लॉग इन साइन अप, मैं आप इसमें क्लिक करूँगा। देखिए जैसे क्लिक करता हूँ इसमें दिखा रहा है फॉरगेट वो इट यू पुट www.facebook.com इन योर ब्लॉक साइट। तो साइट ऑलरेडी मैं ब्लॉक कर दिया, एक काम वर्किंग करना चालू भी कर दिया। सो फ्रेंड, अब मैं एक और वेबसाइट डाल के दिखा रहा हूँ आपके एग्जाम्पल के लिए, मैं अब यूट्यूब भी डालूंगा इसके अंदर। तो एप भी ओपन नहीं हो रहा है, तो अब देखिए मैं अब इसके अंदर यूट्यूब भी डालूंगा और इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करता होता है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो हम एक्सटेंशन में चले गए और इसको ओपन करते हैं, तो फिर हमें क्या करना है, इसके अंदर जगह सेटिंग में क्लिक करना है। तो देखिए फ्रेंड, अभी मैं दिखाता हूँ, अभी थोड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिए। कुछ नहीं करना है, बस इसमें जगह सेटिंग में क्लिक करना है, सेटिंग में क्लिक करना है और इसमें जगह फिर आपको एज इट इज जो मैंने किया था उस सेम प्रोसेस में आपको वो वेबसाइट इसमें ऐड करना पड़ेगा। मैंने आप https://youtube.com लिखूंगा और इसके अंदर पेस्ट करूंगा। देखिए मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब उसमें से एज इट इज करना है आपको, सेम बटन में दबाना है
और देखिए YouTube भी ऐड होगा, अब मैं YouTube ओपन करके दिखाऊंगा। अब मैं YouTube लिख रहा हूँ और मैं एंटर करता हूँ। देखिए नो वे जो योर वेबसाइट ऑलरेडी हैज ब्लॉक, तो मेरा ये साइट भी ब्लॉक हो चुका है, तो मैंने इस साइट को भी ब्लॉक कर दिया। तो फ्रेंड आप भी कर सकते हो घर में सिंपल सा तरीके से, ना कोई आपको फायरल लगेगा, ना कोई ना ना किसी कोई रेस्ट्रिक्शन, बस छोटा सा सिंपल सा वे आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड मैं आप इसको रिमूव करना भी दिखाऊंगा कैसे रिमूव होता है। देखिए मैं रिमूव करना भी दिखा दिया आपको, व्हाइट लिस्ट उसको कहते हैं, व्हाइट लिस्ट। तो फ्रेंड मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ी सी भी आपको हेल्प आया तो मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हो जाए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।